दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। मोच ना घुटनों में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। माफी की भाषा क्या होती है? अपने पूर्वजों के किए अन्याय को कबूलने का स्वर क्या होता है? आप सुनिए चार नेताओं के चार बयान, चारों का देश एक, इतिहास एक। पहला लीडर, वो एक विदेशी संसद में खड़ा है, हाथ में चांदी की मुहर थामे, वो मुहर जो 173 साल पहले उसके पूर्वज, उसके हमवतन सैनिक इस मुल्क से चुरा कर ले गए थे। चांदी की ये मुहर लौटाते हुए लीडर कहता है, हाँ हम दो वतनों ने एक अतीत साथ जिया है, हाँ वो अतीत दुखता है कचोटता है, हाँ हमने आपसे जंग लड़ी थी, वो दौर दर्दनाक था, मैं उसे भूलने को नहीं कहता, लेकिन अब हमें उस अतीत से आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। दूसरा लीडर, वो शहीदों की एक मज़ार पर फूल चढ़ाता है और फिर कहता है कि वो दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाने वाले एक देश का प्रतिनिधि है, लेकिन अतीत में हुए उस अन्याय की माफ़ी वो नहीं मांग सकता, क्योंकि पिता की गलतियों के बदले बेटे से माफ़ी की उम्मीद करना सही नहीं है। तीसरा लीडर, वो कहता है इन द नेम ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, माने उसके शब्द सिर्फ उसके निजी विचार ना माने जाएं, वो शब्द उसकी पार्टी का भी कबूलनामा समझे जाएं। क्या कबूलनामा? ये कि विदेश में लड़ी गई एक दशकों पुरानी जंग में उस पार्टी ने अपनी रूह, अपनी नैतिकता तज दी। एक समूची आबादी से माफी मांगने का बकाया है उस पर। और फिर आता है चौथा लीडर, 60 साल पहले मर चुके एक शख्स की तीसरी पीढ़ी के आगे बैठा, सर झुकाए, ग्लानी से डूबी आवाज में कहता है, तुम्हारे दादा ने खुदकुशी नहीं की थी, टॉर्चर करके उनकी हत्या की गई थी, ये हत्या मेरे मुल्क ने की थी। ये अपराध स्वीकृति एक राष्ट्रपति ने की है, ये कबूलनामा उनका निजी नहीं है, उनके देश की तरफ से दिया गया है। किस देश ने ऐसा किया? ये कन्फेशन दिया इन द नेम ऑफ फ्रांस। हमने आपको चार लीडर्स के बयान पढ़कर सुनाए, क्रमवार तरीके से इनके नाम भी बता देते हैं, जॉक शराक, निकोलस सरकोजी, फ्रांसवा ओलांद और इमैनुअल मैक्रों। इन चारों नामों में 1995 से अब तक की फ्रेंच प्रेसिडेंसी कवर हो गई। इनके दिए जिन बयानों को आपने सुना वो सभी एक ही देश के संदर्भ में दिए गए थे और इस देश का नाम है अल्जीरिया। फ्रांस और अल्जीरिया की पुरानी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है ऑक्यूपायर और ऑक्यूपाइड की, गुलाम बनाने वाले और गुलामी भुगतने वाले की। इस इतिहास में फ्रांस के माथे कई गुनाह हैं, फ्रांस दशकों तक इन गुनाहों से आंखें मूंदे रहा, लेकिन बीते कुछ बरसों से ढकी दबी आवाज में उसने ग्लानी जतानी शुरू की, सीधे से माफी नहीं मांगी, कई बार उसके लीडर माफी मांगने की कगार पर आकर रुक गए। शुरुआत के जो तीन बयान आपने सुने वो इसी कैटेगरी के थे। फिर 2017 में राष्ट्रपति बने मैक्रों, उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले ज्यादा साफगोई दिखाई और इसी से जुड़ी खबर बीते रोज आई। मैक्रों ने स्वीकार किया कि फ्रांस ने ही अल्जीरिया के एक स्वतंत्रता सेनानी की हत्या की थी। ये पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में बसा एक देश है अल्जीरिया। धरती के मानचित्र पर अल्जीरिया को देखिए, नॉर्थ अटलांटिक महासागर और मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को चूमते हैं वहीं पर बसा है अल्जीरिया। यूरोप से बित्ते भर की दूरी पर, इसके एक तरफ भूमध्य सागर की तटरेखा और दूसरी तरफ सहारा का मरुस्थल। यूरोप और अफ्रीका के बेहद अहम जंक्शन पॉइंट पर बसाहट के चलते अल्जीरिया में कई साम्राज्यों का प्रभाव रहा। सबसे पहले यहाँ रोमन साम्राज्य आया, वो अपने साथ फिर ईसाई धर्म लेकर आए, फिर 7वीं सदी में अरब के लोग यहाँ पहुँचे। ये इलाका सऊदी के पश्चिम में पड़ता है, अरबी भाषा में पश्चिमी दिशा को मगरिब कहते हैं, इसलिए अरब के लोगों ने अल्जीरिया समेत पूरे उत्तरी अफ्रीकी भूभाग का नाम मगरिब रख दिया।
अरबियों ने ही अल्जीरिया का ताल्लुक इस्लाम से जोड़ा। आगे चलकर अल्जीरिया बगदाद के अब्बासिद साम्राज्य का हिस्सा बना, कुछ वक्त तक मोरक्को के कंट्रोल में रहा, फिर स्पेन के लोग आए और फिर पहुंचा ऑटोमन साम्राज्य। शुरुआत में ऑटोमन्स यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए एक गवर्नर नियुक्त करते थे जिसे पाशा कहा जाता था, लेकिन जल्द ही शासन की ये परोक्ष व्यवस्था खत्म हो गई। पाशा को रिप्लेस किया डे व्यवस्था ने। ये डे एक शासकीय पदवी थी, इसको समझिए अल्जीरिया का स्थानीय राजा। इस डे सिस्टम के भीतर अल्जीरिया ऑटोमन साम्राज्य का एक स्वायत्त प्रांत बन गया था। ये कई सौ बरस तक सिस्टम चला, फिर 18वीं सदी का दौर आया। इस कालखंड में अल्जीरिया की आमदनी का बड़ा जरिया था समंदर में जाने वाले व्यापारिक जहाज। इन्हें सुरक्षित पैसेज देने के बदले अल्जीरिया चुंगी वसूलता था, चुंगी नहीं दी तो जहाज लूट लिए जाते थे, इसके लोगों को बंधक बनाकर फिरौती मांगी जाती थी। इस गतिविधि में सिर्फ अल्जीरिया नहीं था, तीन और बगल के देश थे, मोरक्को, लीबिया और ट्यूनिस। इन चारों देशों को एक नाम भी मिला था कलेक्टिव रूप से, बारबरी स्टेट्स। यूरोप और अमेरिका, इन दोनों ही महाद्वीपों के जो देश थे, वो बारबरी स्टेट्स के समुद्री लुटेरों से खफा रहते थे, इसलिए कि इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता था। दुनिया में समुद्र के रास्ते जो भी कारोबार होता उसका करीब करीब समूचा हिस्सा यूरोप और यूएस का था। गुलाम देशों से लूटा सामान हो, गुलामों की खरीद फरोख्त हो, सब समंदर के रास्ते। ये कारोबार मुनाफे का था और इसकी सुरक्षा के लिए चुंगी भरना इन्हें खलता तो था, लेकिन नुकसान के मुकाबले रकम काफ़ी कम थी, इसलिए ये चुंगी भरते रहे। लेकिन फिर चुंगी भरना इन्हें लगा कि युद्ध लड़ने से कहीं सस्ता था, तो शिकायतें चलती रहीं, लेकिन यूरोप के देश और अमेरिका रकम भरते रहे। 101 बरस ये भी चलता रहा, लेकिन 19वीं सदी में एंट्री के साथ ही तनाव गहराने लगा। स्पेन, नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस, इटली और अमेरिका, इन सब मैरीटाइम पावर्स की अल्जीरिया से लड़ाई होने लगी। और इसी दौर में यहाँ पैर पसारा फ्रांस ने, और यहीं से शुरू हुआ अल्जीरिया की बर्बादी और गुलामी का इतिहास। इस हिस्ट्री की शुरुआत हुई एक पुराने बही खाते से। कैसा बही खाता? 1798 में फ्रांस के राजा नेपोलियन ने इजिप्ट यानी कि मिस्र पर हमला किया। अपनी सेना को खाना खिलाने के लिए उसने अल्जीरिया के दो कारोबारियों से अनाज खरीदा, लेकिन पैसा नहीं दिया। फिर नेपोलियन का राज खत्म हो गया, फ्रांस में नई सरकार बन गई। अल्जीरिया ने कहा, नेपोलियन तुम्हारे देश फ्रांस का राजा था, तो ये बकाया तुम्हारे ऊपर है, हमको लौटाओ। अब अल्जीरिया ने तो कह दिया, लेकिन फ्रांस की सरकार ने ये कर्ज नहीं लौटाया। और इसी तनातनी में आ गया 1827 का बरस। इस वक्त अल्जीरिया के गवर्नर थे हुसैन डे। उन्होंने विवाद को सुलझाने के लिए अल्जीरिया में मौजूद फ्रांस के काउंसिल पियरे डेवल को तलब किया। कहा, अपनी सरकार से कहो हमारा पैसा लौटाए। इस पर पियरे ने कहा, तुम हो कौन, तुमसे बात करने में तो हमारे राजा की तौहीन है। हुसैन डे को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उनके हाथ में उस वक्त मक्खी उड़ाने वाला एक पंखा था, उन्होंने उसी पंखे से पियरे पर चोट की। ये मक्खी उड़ाने वाला पंखा कैसा होता है, कमाल है। खैर, खबर हर तरफ फैल गई। फ्रांस बोला, हमारे प्रतिनिधि की गजब बेइज्जती हुई है यार, मतलब इतनी बेइज्जती अब तो हम कुर्सी लेकर ही जाएंगे। खैर, हुसैन ने सफाई दी कि मैंने तो पियरे की बदतमीजी पर प्रतिक्रिया दी, मेरा फ्रांस के अपमान का कोई इरादा नहीं था। पर फ्रांस नहीं माना, उसने अल्जीरिया से कट्टी कर ली और उसके बाद बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉकेट 3 बरस तक रहा। फ्रांस का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, उसको लगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी का वक्त आ गया है। और ऐसे में 1830 में उसने अल्जीरिया पर हमला कर दिया। ये युद्ध जीतकर फ्रांस ने अल्जीरिया को बना लिया अपना गुलाम, और अल्जीरिया को नया नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस। नटशेल में बताएं तो ये गुलामी गुलामी जैसी ही थी, क्रूर, स्वार्थी और दमनकारी। अब इस कहानी को फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे वर्ल्ड वॉर पर आते हैं, जिसमें हिटलर ने फ्रांस को हौंक दिया था। इस हार के साथ ही फ्रांस का साम्राज्य भी कमजोर हो गया था। उसके द्वारा गुलाम बनाए गए देशों में आजाद होने की उम्मीद जाग गई थी, और इस पर अमल की पहली बड़ी कोशिश हुई मार्च 1943 में। तब अल्जीरिया में एक लीडर थे फरहत अब्बास। उन्होंने फ्रेंच सरकार को एक मैनिफेस्टो सौंपा जिसमें संविधान, राजनीतिक हिस्सेदारी और मुस्लिमों के लिए समानता जैसे अधिकार मांगे गए। फ्रांस ने रिफॉर्म्स की बात नहीं मानी, जवाब में अल्जीरिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 8 मई 1945 को ऐसे ही एक प्रोटेस्ट मार्च पर फ्रांस की सेना और पुलिस ने हिंसा की, सैकड़ों लोग मारे गए। फ्रांस कहता है 1500 मरे, लेकिन एक स्वतंत्र अंदाजा है कि 8000 अल्जीरियन मारे गए।
इसके बाद अल्जीरिया में बड़े स्तर पर विद्रोह शुरू हो गया, जिसे कुचलने के लिए फ्रांस ने लगभग 400,000 सैनिकों को अल्जीरिया भेजा। अब तक वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो चुका था, तो सैनिक भी फुर्सत में आ गए थे। ये सैनिक आम लोगों को निशाना बनाने लगे। गांव और शहर पर अंधाधुंध बम गिराए गए। फिर भी प्रदर्शन बंद नहीं हुए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने भी फ्रांसीसियों पर हमला किया। इन्हें कुचलने के लिए फ्रांस की सेना नरसंहार करने लगी। ऐसा ही एक नरसंहार हुआ सेटिफ में जून 1945 में। यहाँ फ्रांस ने करीब 45,000 अल्जीरियंस को मार डाला। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इन हत्याओं के चलते अल्जीरिया पूरी तरह बगावती हो गया। उसने कहा, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। और इसी मांग के साथ अक्टूबर 1954 में अल्जीरियन फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये एक सशस्त्र संघर्ष था और इसका बिगुल बजाया अल्जीरिया के चरमपंथी गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने। फ्रेंच भाषा में इसका एब्रिविएशन कहलाता है FLN। आज़ादी का ये संघर्ष 1962 तक चला। 1954 से 1962 के ये 8 बरस कैसे बीते? उन्माद और भीषण खून खराबे के। फ्रांस ने बेहिसाब हिंसा की, अल्जीरियन गुटों ने भी हिंसा की। उन्होंने अपने हमवतनों को मारने से भी परहेज नहीं किया। इस दौर में अल्जीरिया के भीतर कई हथियारबंद गुट थे। फ्रांस से भी लड़ते और आपस में भी मारकाट करते। इसमें सबसे हिंसक था वो जिसका जिक्र किया, FLN। इतिहासकार इस दौर को सर्कल ऑफ हेट कहते हैं, आतंक और प्रतिक्रिया में जवाबी आतंक। आतंक के इस चक्र में शामिल एक धड़ा और था जिसका नाम था पिए नोवा। ये कौन थे? जब फ्रांस ने अल्जीरिया को गुलाम बनाया, तब उसने यहाँ अपने लोगों को बसाना शुरू किया। यूरोप के कई और देशों के लोग भी अल्जीरिया में आकर बस गए। इन बाहरी बसाहट वाले लोगों को अल्जीरिया के लोग पिए नोवा कहते थे। फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है काले पांव। पिए नोवा की तादाद 10,00,000 से ऊपर थी। अल्जीरिया मुस्लिम बाहुल्य था, माइनॉरिटी में थे पिए नोवा, लेकिन इनकी राजनीतिक पहुँच, प्रभाव और दौलत बहुत ज़्यादा थी। 1954 से 1962 तक जो युद्ध चला, उसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर थे आग धधकाने का। कैसे? अल्जीरिया में फ्रांस से आज़ाद होने की चाह मुस्लिमों में थी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा शोषित थे। पिए नोवा तो शोषकों के साथी थे, वो अल्जीरिया की आज़ादी नहीं चाहते थे। 1959 में अल्जीरिया के साथ चल रहे युद्ध के दौरान फ्रांस के जब राष्ट्रपति बने शाल द गॉल, तो उन्होंने कहा, हमारी दिलचस्पी युद्ध खत्म करने पर है। ऐलान किया कि अल्जीरिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन का विकल्प मिलेगा, मतलब अल्जीरिया के लोग अपना राजनीतिक भविष्य चुन सकेंगे। इसके बाद FLN और फ्रेंच सरकार में बातचीत शुरू हो गई, लेकिन ये जो बाहर के बसे लोगों का गुट था पिए नोवा, इसको मंजूर नहीं हुआ। इन्हें लगा कि अल्जीरिया को आज़ादी मिल गई तो हमें जो प्रिविलेज मिले हैं, जो हम प्रभु वर्ग के बने हुए हैं, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और ऐसा ना हो, इसके लिए पिए नोवा ने अपना एक चरमपंथी संगठन बना लिया, जिसका नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन आर्मी सीक्रेट, शॉर्ट में से OAS कहते थे। इन्होंने भी हिंसा शुरू कर दी। लेकिन इन सब अवरोधों के बावजूद मार्च 1962 में फ्रांस की सरकार और FLN के बीच समझौता हुआ। इसे इवियान एकॉर्ड कहा गया। जून 1962 में FLN और OAS में भी समझौता हो गया, यानी पिए नोवा और जो चरमपंथी गुट था उसके बीच। और 1 जुलाई 1962 को इवियान एकॉर्ड के मुताबिक फ्रांस ने अल्जीरिया में रेफरेंडम करवाया, और जिसमें अल्जीरिया के लोगों ने अपने लिए चुनी आज़ादी। 4 रोज़ बाद 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर एक आज़ाद देश बन गया। आज़ाद बन गया, खुशहाल नहीं हो पाया। इस्लामिक कट्टरपंथ, तानाशाही, सिविल वॉर, इमरजेंसी, अलकायदा, बेरोजगारी, जन विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता, उसकी दिक्कतों की लिस्ट लंबी है। और इन दिक्कतों का दोषी कुछ वो खुद भी हैं और कुछ दोष उनके शोषण से भरे इतिहास का है। ये लंबी चौड़ी हिस्ट्री हमने आपको सुना दी। अब मूल सवाल पर लौटते हैं कि आज जिक्र क्यों। हमने एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया था कि राष्ट्रपति मैक्रों ने एक हत्या का अपराध कबूला। उनका ये बयान 3 मार्च को आया। इस रोज मैक्रों ने अली बुमेंजेला नाम के एक शख्स के परिवार से मुलाकात की। उनके पोते पोतियों से मिलकर बोले, आपके दादा की हत्या फ्रेंच स्टेट ने करवाई थी। ये अली बुमेंजेला कौन थे? अली अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के एक नायक थे, पेशे से वकील। 23 मार्च 1957 की बात है। 37 साल के अली उस रोज एक इमारत की 6वीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गए, मौके पर मौत। हादसे के वक्त अली फ्रेंच सेना की कैद में थे। फ्रांस ने कहा अली ने आत्महत्या की। अल्जीरिया के लोगों ने कहा फ्रांस झूठ बोल रहा है, उसने अली की हत्या की है। पर फ्रांस ने तब यह इल्ज़ाम माना नहीं। अब 64 बरस बाद
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सच कबूला और कहा कि फ्रेंच सेना ने अली को किडनैप किया, टॉर्चर किया और फिर हत्या कर दी। मैक्रों की यह स्वीकारोक्ति प्रशंसा पा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति होकर अतीत के ऐसे गुनाह कबूलने के लिए हिम्मत चाहिए, और कई आलोचक कह रहे हैं कि ये कबूलनामा देर से आया, अभी फ्रांस को ऐसे कई अपराध कबूलने हैं। कुछ आलोचक कह रहे हैं कि शायद ये मैक्रों की एक राजनीतिक कोशिश है, वो अल्जीरिया से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद से निपटने में पार्टनरशिप चाहते हैं, इसलिए बयान दिया। वजह जो भी हो, लेकिन ये पहली बार नहीं जब फ्रांस में किसी ने आधिकारिक तौर पर इस हत्या की बात कबूली हो। इसके पहले भी पॉल ओसारेस नाम के एक रिटायर्ड फ्रेंच अफसर ने ये बात कही थी और तब बड़ा बवाल कटा था। पॉल अल्जीरिया की राजधानी एल्जियस में फ्रेंच इंटेलिजेंस के मुखिया थे अल्जीरियन वॉर के दौरान। उस युद्ध के दौरान राजधानी एल्जियस में एक बड़ी लड़ाई हुई थी जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ एल्जियस। इसी युद्ध के अनुभवों के आधार पर साल 2000 में पॉल ने एक आत्मकथा लिखी। इसमें बताया गया कि युद्ध के दौरान उसने और उसके साथियों ने किस क्रूरता से अल्जीरियंस की हत्या की। इसी किताब में अली बुमेंजेला का भी जिक्र था। पॉल ने लिखा कि उसी ने टॉर्चर करके अली की हत्या करवाई थी। पॉल द्वारा दिए गए युद्ध अपराध के ब्यौरे इतने भीषण थे कि फ्रांस में उस वक्त हंगामा मच गया था। तब राष्ट्रपति से जाक शराक, उन्हें इसकी निंदा करनी पड़ी। पॉल के ऊपर फ्रांस में केस भी चला, इसलिए नहीं कि उसने नृशंस युद्ध अपराध किए, इसलिए कि उसने इन अपराधों को खुलेआम कबूला। ये मामला क्या है? असल में 1968 के साल फ्रेंच संसद ने एक विशेष कानून पास किया था। इसमें प्रावधान था कि अल्जीरियन वॉर के दौरान जितने भी युद्ध अपराध हुए उनके दोषियों को परमानेंट माफी दी जाती है, कभी कोई केस नहीं चलेगा। अगर पॉल ने ये अपराध आगे बढ़कर प्रचारित न किए होते तो लाख दोषी होने पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आपको पता है जिस युद्ध का बार बार जिक्र आ रहा है उसमें कितने लोग मरे? ज्यादा नहीं, 15 लाख लोग मरे। अगर आपको इस युद्ध की साइकी समझनी है तो एक बेहतरीन फिल्म है, जरूर देखिएगा, द बैटल ऑफ एल्जियस। 1966 में बनी यह फिल्म एक मास्टरपीस है। इसे फिल्म स्कूलों के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। पेंटागन समेत दुनिया भर के कई रक्षा विभाग ये अपने अधिकारियों को दिखाते हैं, और फ्रांस, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की दावा करने वाला, हिमायत करने वाला फ्रांस, वहां पर यह फिल्म बैन है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। यहां सिंध प्रांत की विधानसभा में जमकर जूतम पहजार हुई। घटना 3 मार्च की। विधानसभा में सेनेट चुनावों को लेकर वोटिंग होनी थी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, इसके 3 मेंबर बागी हो गए। पार्टी लाइन से अलग वोट डालने की बात कही। वोटिंग के लिए जैसी असेंबली में घुसे पार्टी के बाकी लोगों ने इनसे बहसबाजी शुरू की और फिर धक्का मुक्की और पटका पटकी शुरू हो गई। बागी मेंबर भुट्टो वाली पार्टी यानी PPP के पक्ष में वोट डालने वाले थे तो वहां के पहलवान भी आ गए, लड़ाई में शामिल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दूसरी सुर्खी साउथ कोरिया से है। यहां ब्युन ही सू नाम का एक सैनिक, उसकी मौत हुई और इस पर पूरे देश में रोष है। साउथ कोरिया ट्रांसजेंडर्स को सेना में नौकरी नहीं देता। ब्युन ने 2017 में सेना ज्वाइन की और 2019 में जेंडर चेंज की सर्जरी करवाई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब ब्यू सर्जरी के बाद पुरुष नहीं रहे, उनके पास पुरुष जननांग नहीं है, इसे हम शारीरिक विकलांगता मानते हैं। ब्यू ने अपील की, रोते हुए कहा, मैं देश की सैनिक हूं, देश की रक्षा का मौका ना छीना जाए। लेकिन 2020 में सेना ने उन्हें निकाल दिया। तब से वो डिप्रेशन में थी। 3 मार्च को घर के भीतर उनकी लाश बरामद हुई। इस मौत को लेकर लोग सेना और सरकार से बहुत नाराज हैं। तीसरी सुर्खी पड़ोसी म्यांमार से। 3 मार्च को यहां आर्मी ने फिर कई शहरों में जमकर हिंसा की, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। ठीक ठीक कितने लोग मरे नहीं पता, मृतकों की संख्या 38 से ज्यादा बताई जा रही है। यांगोन के बिशप ने ट्विटर पर लिखा कि 3 मार्च को म्यांमार के ज्यादातर शहरों की स्थिति थियानमेन स्क्वायर नरसंहार जैसी थी। ये वो नरसंहार है जो 80 के दशक के आखिर में चीन ने किया था अपने नागरिकों पर, क्योंकि वो लोकतंत्र मांग रहे थे। यूएन के मुताबिक म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है असली संख्या कहीं ज्यादा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है।
लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।